नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पुलिस की बर्बरता से नाराज जनता और राजनीतिक दल। आपको बता दें, सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाने के अंतर्गत ग्राम पकड़ी में 2 अप्रैल को पुलिस और पब्लिक किसी बात को लेकर आमने सामने आ गई थी, जिसमें दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। बताते चले कि इसी दिन मुख्यमंत्री का जिले में आगमन भी हुआ था। कहासुनी में पुलिस के जवान नाराज थे, इस बात को 4 दिन बीत चुके थे और 6 अप्रैल को रात 11 बजे भारी पुलिस बल पकड़ी में पहुंच गई और वहां की जनता पर टूट पड़ी और मारना शुरू कर दिया। महिला, पुरुष, बच्चे, विकलांग, किसी को भी नहीं छोड़ा। क्षेत्र विधायक के बयान को देखकर आनन फानन में शोहरतगढ़ के क्षेत्राधिकारी ने थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। आज भाजपा के शोहरतगढ़ चेयरमैन प्रतिनिधि सुभाष गुप्ता पीड़ितों का हाल जानने पकड़ी में पहुंचे। उन्होंने से सरकार को बदनाम करने की साजिश बताते हुए पुलिस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए सभी पुलिस वालों को सजा मिलनी चाहिए। वहीं सपा सरकार में राज्य महिला आयोग की सदस्य जुबैदा चौधरी भी पीड़ितों का हाल जानने क्षेत्र में पहुंची। एक महिला ने उनसे अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि पुलिस की बर्बरता इस कदर थी कि क्या बताएं। उसने कहा कि पुलिस उसके पति को मार रही थी और उसे बचाने गई तो पुलिस ने गाली देते हुए उसकी साड़ी पकड़कर खींच ली और ब्लाउज भी फाड़ दिया। इस बात को सुनकर जुबैदा चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और कानून व्यवस्था को बेहतर बताती है, तो वहीं कानून को चलाने वाली पुलिस ने ऐसी बर्बरता दिखाई जो बेहद कष्टदायी और घृणा का कार्य है। इस हालत में शोहरतगढ़ पुलिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को भी हटा देना चाहिए, जिनसे अपना विभाग भी नहीं संभल रहा है। और पुलिस का जो ये बर्बरता पकड़ी में चला है, उसमें महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है जी। और आप यहाँ आई हैं जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, तब से पुलिस का तांडव पूरे प्रदेश में है और यहाँ तक कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार में, भाजपा की सरकार में। हमारी सरकार में महिलाओं का सम्मान था, आज एक महिला को नंगा करके मारा गया, ब्लाउज उसका फाड़ दिया गया, साड़ी उसका खींच लिया गया, उसका मंगलसूत्र छीन लिया गया, उसके घर में जो पैसा था वो भी उठा ले गए और इनको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया है। इसलिए मैं मांग करती हूँ कि तत्काल सिद्धार्थनगर के एसपी और सोहरतगढ़ के पूरा स्टाफ को तत्काल यहाँ से हटा दिया जाए। अगर नहीं हटाते हैं तो चाहे धरना करना पड़ेगा, चाहे प्रदर्शन, समाजवादी पार्टी पीछे नहीं रहेगी। इसके लिए हम जनता की आवाज उठाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अब महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं के साथ पुलिस प्रशासन हमारे विकलांग पत्नी के ऊपर हमला किए, वो 1.5 वर्ष अपना घर में भागने की काम की, उसके बाद में भी आज हमें बहुत बड़ा पछतावा हो रहा कि योगी सरकार में 20 साल हमने योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे मेहनत किया इस सिद्धार्थनगर में। आज मुझे बहुत कष्ट की बात कि हम दिव्यांगों के साथ ऐसा शरारतबाजी जो हमारे जिले का पुलिस प्रशासन के लोगों ने किया है, ये गलत व्यवहार किया है। ये पुलिस ने जनता के साथ जो बर्बरता दिखाई और लोग पीछे गए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें थाना अध्यक्ष सोहरतगढ़ निलंबित हो चुके हैं, क्षेत्राधिकारी सोहरतगढ़ लाइन हाजिर हुए हैं। ये जो जनता की पीड़ा है इससे समाप्त होने वाला नहीं है, इनके चक में इससे नहीं भर सकते हैं। हम लोगों के संज्ञान में आया है, हम लोग आए हैं संज्ञान में। जिस दिन घटना घटित हुई उसके सुबह ही लखनऊ में मैं था, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको फ़ोन करके बताया, मैं पूज्य महाराज जी से भी हम लोग वार्ता किए, माननीय राजेंद्र प्रताप सिंह जी थे, और जो स्थिति आज देखने में मिली है वहां से कार्रवाई के लिए तुरंत निर्देश जारी हुए। इस सरकार की छवि खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए मुझे लगता है हम लोग, जैसा कि आज देखने में आया, केवल सरकार की छवि को खराब करने के लिए कुछ पुलिसकर्मी ऐसी अभद्रता किए हैं। और मैंने अभी DIG बस्ती और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर से यह कहा है कि केवल एक थानाध्यक्ष के निलंबित होने से जख्म नहीं भर सकता है, जब तक कि अन्य दोषियों के ऊपर कार्रवाई करके और जो भी निर्देश के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उन सबको तत्काल हटाएं, वरना उनको भी भोगना पड़ेगा।